दोस्तों, मैं हूं अयाज मोरस और आज की इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत को मुतारिफ करवाऊंगा और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ये मेरे लिए एजाज़ भी है कि मैंने उनके साथ कुछ अर्सा काम भी किया और एक बहुत लंबे अरसे से मैं उन्हें जानता हूं और उनकी तहरीरें पढ़ने से, उनकी शायरी, उनकी फ़िक्र और उनकी खिदमात की वसीले से मुझे जो है बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और बहुत रहनुमाई भी मिली। और आज मेरे लिए ये एक ऑनर है कि मैं उनके साथ आपके साथ गुफ्तगू करूंगा और इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जी, हमारे साथ मौजूद हैं नामवर कैथलिक मुसन्निफ, शायर और एक मुफक्कर जिन्होंने क्लीसिया में भी और तालीम के शोबे में भी अपनी ग्राह कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमीद हेनरी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, थोड़ा सा पहले हमें बताइएगा कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, आपकी भी जो एजुकेशन है वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ और फिर आप किस एजुकेशन के प्रोफेशन में आए और वो सिलसिला कैसा रहा? मैं बेसिकली, मेरा जो ताल्लुक़ है वो सैन फ्रांसिस पैरिश से है, हाजी कैम्प। सही। तो मैंने इब्तदाई तालीम सैन फ्रांसिस स्कूल में हासिल की, फिर सेंट पॉल्स हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एम ए जर्नलिज़म किया। मैट्रिक करने के बाद, जैसा कि उस ज़माने में दस्तूर था, मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया और 25 साल मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम करता रहा। अच्छा। उसके बाद मैं 1998 में हमदर्द यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं लड़कपन से ही चर्च के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रही है, गीत लिखता रहा हूँ नज़ीर मार्टिन के साथ मिलकर, उसको कंपोज भी किए नज़ीर ने, और हर साल रेडियो और टेलीविज़न पर जो क्रिसमस के या ईस्टर के प्रोग्राम होते थे, गुड फ्राइडे के, वो मैं लिखता हूँ पीटीवी के लिए भी। सर जी, तो सर, ये आपका जो शायरी है, लिखने का रुझान है, ये कब से शुरू हुआ और कब आपको किस इंसान ने, किस से आपको ये तहरीक मिली कि आप इस शायरी की तरफ आए और फिर आपने तहरीरें भी लिखी और बहुत ज़्यादा जो है वो आपने जो मसीही मुसन्फीन की तहरीक है या इस हवाले से भी आपने काम किया? दरअसल मुझे एक फॉर्मेशन, आप जिसको कहते हैं ना कैथलिक चर्च में, सही, तो मैं जब क्लास 8 या 9 में था तो हमारे पैरिश प्रिस्ट होते थे दो, एक फादर आनल रेडिया थे, सही, और दूसरे थे फादर मैक्स जो अब बिशप हैं अपना, सही। तो इन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की, बल्कि फादर आनल तो मुझे ना मुशायरों में लेके जाते थे, फिर वो अंग्रेज़ी में ना जो एक्टिविटी होती थी ना पैरिश में, वो अंग्रेज़ी में लिखते थे और मुझे कहते थे इसको तर्जमा करो, ट्रांसलेट करो। सही। तो उन्होंने मेरी पोटेंशियल को देखा होगा, फिर वो मुझे प्रेस क्लब में लेके जाते थे, हालांकि उन्हें उर्दू इतनी नहीं आती थी, लेकिन मुशायरों में लेके जाते थे शाम को ना। तो इस तरीके से उनकी ये रहनुमाई थी कि मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं लिखना पढ़ना ना कर सकता हूँ। फिर मेरे उस्ताद थे, जब मैं बहुत धड़कपन कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे उस्ताद थे इकबाल अहमद हाशमी, बहुत उम्दा शायर थे जिनसे मैंने इल्म-ए-रूज़ भी सीखा और उनकी रहनुमाई मुझे बड़ी दस्तियाब रही। और फिर मेरे वालिद साहब की ये थी कि वो मुझे किताबें ला के दिया करते थे पढ़ने के लिए ना, जब भी उन्हें कोई किताब मिलती थी वो लेके आते थे घर पर, और इस तरह मुझे किताबें पढ़ने का भी शौक़ हुआ और लिखने का, कि फादर आनल ने, फादर मैक्स ने, इन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की इस तरफ ना, तो मैं लिखने की तरफ आ गया। उसके बाद फादर इमानुएल आसी हैं, इदारे अमन इंसाफ में मैं काम करता रहा, जफाकश का मैं एडिटर रहा, चीफ एडिटर भी मैं रहा, मैंने एमए जर्नलिज्म किया था। फिर जब इदारे का कुछ हालात ख़राब हुए तो फादर आसी मुझे ले गए सेमिनरी में, उस वक्त वो रेक्टर थे, कि जी आप यहाँ पढ़ाएं, तो मैं पढ़ाता रहा। उनके तवस्सुस से फिर हम, मैंने और फादर आसी ने मिलकर मकतबा नवीम को बुनियाद रखी, और आज 30 साल हो गए हैं कि हमारा ओढ़ना बिछोड़ना ये किताबें हैं, हम कुतुब भी छापते हैं
जबरदस्त। तो सर ये आपका तालीम और तरबियत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ और आज आप एक ज़िंदगी के सफ़र से किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तो कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में किताबें पढ़ना और इस तरह की अदबी महफलों में जाना और इल्म जो रखते हैं या इल्म हासिल करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलना कितना अहम होता है? बिल्कुल, ये बहुत उम्दा सवाल है। देखें, लिखने पढ़ने में जो आपकी नज़रियाती तरबियत है सही, वो पढ़ने से आती है या ऐसे लोगों से बैठने से? ठीक है, अगर मैं अपनी नज़रियाती तरबियत की बात करूँ ना, तो मैं इसका क्रेडिट दूंगा फादर बॉनी मेंडस को। सही। मैं जब ये सर जंग के ज़माने की बात है, 1980s की ना, जब सर जंग कोल्ड वॉर अरूज पर थी और चर्च में एक जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है सही, वो बहुत उभर कर सामने आ रहा था, मतलब लिबरेशन थियोलॉजी है और दूसरी जो कंटेक्चुअल थियोलॉजीज थी वो उभर कर सामने आ रही थी। उस ज़माने में मुझे फादर बॉनी उस ज़माने में ऑफिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे, एफएबीसी का इसके ये सेक्रेटरी थे सही। तो मैं इदारा अमन इंसाफ के बोर्ड में था, तो मेरी शादी को मेरा ख्याल अभी 2 साल हुए थे, ये 80s की बात है ना, तो इन्होंने मुझे कहा जी आप बाएँ वहाँ लॉन्ग ट्रेनिंग है एक अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट सही। अच्छा, मुझे छुट्टी नहीं मिली बैंक से, लेकिन इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप आएँ, मैं फिर अगले साल गया वहाँ ट्रेनिंग पे फिलीपाइन सही। तो वहाँ तकरीबन 2 महीने हमारी ट्रेनिंग थी जिसका उनवान था अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, और फादर बॉनी मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिलाते थे, बिशप लबाइन जैसे लोग थे, वो उस ज़माने के लोग थे, प्रोग्रेसिव और बड़ी रोशन ख्याल लोग थे, वो एक नई किस्म की थियोलॉजी पे वो काम कर रहे थे। तो वहाँ मैं 2 महीने मैंने जेजुइट प्रीस्ट जो थे उनसे पढ़ा, जेजुइट प्रीस्ट थे वो हमारे ट्रेनर थे, तो मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में वो जो मौका था ना, उससे मुझे एक नज़रियाती रहनमाई जो मिली ना, उसमें ये हुआ कि मैं नज़रियाती तौर पर जो भी लिखता हूँ मेरे सामने एक नज़रिया आता है, चाहे वो थियोलॉजिकल राइटिंग हो या कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो, लेकिन एक नज़रिया आता है, और मैं समझता हूँ कि इसमें फादर बॉनी ने मेरी नज़रियाती तरबियत में बहुत अहम किरदार है। सर, आपने चर्च के मुख्तलिफ इदारों में काम किया, मुख्तलिफ अखबारात के और जो रसाइल हैं उनके भी हिस्सा रहे, उनकी कई अहम पोजीशंस पर भी किया, आपकी कुतुब भी हैं, आप क्या समझते हैं कि आज के जदीद दौर में मीडिया का और ख़ास तौर पर जो चर्च में प्रोग्रेसिव राइटिंग है उसका कितना जो है वो ज़रूरी है, वो अब इस दौर में? इस दौर में बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी एक बदकिस्मती है। देखें, वेटिकन डोम हुई थी 1965 से, सही नहीं, शायद 62 से 65 ऐसे ना। अच्छा, वेटिकन डोम ने ख़ास तौर पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था प्रेस के बारे प्रेस में, इब्लागयामा कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, जिसमें जो आबाए कलीसिया थे जिन्होंने शिरकत की, उनका मौक़िफ ये था कि हम एक जदीद दुनिया में ज़रूरी है कि कलीसिया जो है वो लोगों के साथ इब्लाग करें, सोशल इब्लाग करें, और मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मुझे एमए जर्नलिज्म की जो स्कॉलरशिप मिली थी वो फादर क्रिस ने दी थी, फादर क्रिस से, वो क्रिस मैकवे। तो मैं उस ज़माने में लिखा करता था उसमें छोटा मोटा ना, अच्छा चरवाहा, फिर फोकस भी था, इंग्लिश में से। तो वो मुझे बुलाते थे अमूमन फादर कृष्णा फास्टर इंस्टीट्यूट जी मुल्तान। तो एक दिन शाम को बैठे थे, उसने मुझे कहा कि आप जर्नलिज्म करो, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे किताबें भी उन्होंने लेके दी। अच्छा, वो एक ऐसी इंकरेजमेंट हुई ना मेरे लिए कि वो मैंने जर्नलिज्म कर लिया, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा हुआ, कर लिया। अब जदीद दौर में आप देखें वेटिकन सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है, ज़रूरत इस बात की है
कि जो ट्रेन लोग हैं ना कलर लेटी में, हम उनको सामने लें, उनको सामने लें। सर ये बहुत आपने अहम पॉइंट छेड़ा है और यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जनाब हमीद हेनरी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेंगे। दोस्तों यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज मोरस के साथ और आज की इस एपिसोड में हम जनाब हमीद हेनरी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है जदीद दौर में मीडिया का इस्तेमाल। और जनाब हमीद हेनरी साहब जो है वो बता रहे थे कि इम्पॉर्टेंट है कि हम जो नौजवान हैं जो प्रोफेशनल इस चीज़ को समझते हैं उनके साथ जो है उन्हें इंगेज करें। तो हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सर जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है हमारे चर्च को सोसाइटी से हमहंग होना और ख़ास तौर पर जदीद जो मीडिया है उसका भरपूर इस्तेमाल करना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था अयाज के देखें, अब हमें ये सोचना पड़ेगा सर कि जदीद दुनिया में जो लेटी है आमतुल मोमिनीन है, कलीसिया में उसका किरदार बहुत बढ़ता है। वेटिकन हमेशा जोर देती है, वेटिकन दोम ने जोर दिया कि आप को अगर अच्छे प्रीस्ट चाहिए, पासवान जो पास्टल वर्क करें, ठीक है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ले पीपल जो हैं जो इस काबिल हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर काम करें। हमें डरना नहीं चाहिए कि अगर हमारे जो इतने रिसाले हैं कैथलिक रिसाले हैं, अगर उनका कोई एडिटर एक ले पर्सन हो तो मेरे ख्याल में इसमें बुराई कोई बुराई नहीं। अब हम स्किल की बुनियाद पर उनका चुनाव करें ना, जिससे ये होगा कि हम अपनी जदोजहद को कौमी धारे में लेकर आएंगे। अभी ये है कि हमारे जो टैलेंट है हमारा वो सिर्फ चार दीवारी में है, चर्च की चार दीवारी में। हमें चाहिए कि अपने टैलेंट को कौमी धारे के साथ मिले, माशरे के साथ जुड़े। हमारे लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, सही। अब ज़रूरत है कि हमारे शौरा अदीब आर्टिस्ट ये नेशनल सतह पर आए, सही, और अपने आप को जोड़ें पूरी जदोजहद के साथ, जो पाकिस्तान का पूरा एक सकाफती विरसा है, हम भी उसका हिस्सा है। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने कहा कि ये जो हम पायनियर है और हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, एजुकेशन का सेक्टर हो, इसके अलावा जो है हेल्थ का सेक्टर हो या जो सोशल वर्क है, ये क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने ये सिलसिले शुरू किए और उसके बाद हम देखते हैं कि आज शायद वो हमारे जो अदारे थे जो पानियर थे, बहुत सारे अदारे ऐसे हैं, शायद उनका नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं है, कि जो एक रोल मॉडल थे लेकिन आज के दौर में वो शायद इतने इफेक्टिव नहीं रहे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखें, आपने चंद मैदानों का जिक्र किया, बल्कि मैं कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स के मैदानों में चर्च पाया नहीं रहे, सही। दूसरे नंबर पे एनजीओ का जितना सेटअप है उसमें भी चर्च पाया नहीं रहता। आप देखें जो स्पेशल लोग हैं, सही, स्पेशल पीपल हैं जो, सही, उनके लिए सिस्टर्स के लिए हमारी इस दारुल स्कून को, दारुल स्कून है, एमएलसी है, सही, डॉक्टर रूथ, तो ये वो लोग थे जिन्होंने बुनियादी काम किया और ये नए तसव्वुरात को पाकिस्तान में मुतारफ कराया गया। अब ये हुआ कि जिन लोगों ने सीखा वो लोग आगे चले गए, हम लोग पीछे रहे। उसकी बेसिक वजह ये थी कि हम इदारों को जब चलाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें सेकंड लाइन की लीडरशिप भी तैयार कर, यस, बहुत। और हम जब अपनी जाती आइडेंटिटी किसी इदारे को बना लेते हैं ना, तो इदारे की साख को नुकसान पहुंचाता है, इदारे की साख को ना, वो जब तक वो बंदा रहता है ना, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लोग किसी एक फर्द के वफादार होते हैं, इदारे के नहीं होते। वो खुश करने के लिए करते हैं कि हमने आपको एक खुश कर दिया, लेकिन वो इदारे के साथ वफादार नहीं होते। ये वजह है कि इदारे का मिशन जो है वो गिर जाता है।
और फिर ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि लोग एक खुशामद पसंद मुआशरा है, जहाँ लोग खुशामद से बड़े आइडेंटिटी का भी क्राइसिस है सर। आइडेंटिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है सर। क्या आप समझते हैं, हम अपनी इस गुफ्तगू को अगर वाइंड अप करते चले तो जहाँ हमारे नौजवानों में क्या आपको लगता है कि वो पोटेंशियल है, उनमें वो सलाहितें हैं कि वो इस जो है वो लीडरशिप के बहरान को पूरा कर सकते हैं, और जो हमारा कम्युनिटी है खासतौर पर उसको माशरे के साथ जोड़कर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में आज के नौजवानों में पुरानी नस्ल से ज़्यादा पोटेंशियल है। अच्छा, ज़्यादा है? सही बात यह नहीं कि है कि नहीं, मैं कहता हूँ ज़्यादा है। आज के जो इतना टैलेंट है हमारे यहाँ पर, इतना टैलेंट है, आप यकीन करें, मैं पिछले साल एक प्रोग्राम कर रहा था टीवी पर, तो जो प्रोड्यूसर है उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा यार हमारे पास एक इंजीनियर है, टेलीविज़न इंजीनियर, खातून है, क्रिश्चियन है, उनको कोई मसला है। तो मैंने कहा क्रिश्चियन और टेलीविज़न इंजीनियर पीटीवी में? मैंने कहा नहीं यार। कहते हैं हाँ भाई, उनको 25 साल हो गए हैं, वो पीटीवी पे इंजीनियर हैं, उनका कोई मसला है, आप ज़रा आ जाओ उनकी बात कर लो। और मैं हैरान हुआ कि हमारे लोग कहाँ कहाँ पहुँचे, हमें नहीं मालूम। और मैं कहता हूँ कि हमारे नौजवानों में बहुत टैलेंट है, और जब वो आगे आएंगे तो शायद इससे बेहतर चला सकें, बेहतर चला। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम लोग स्पेस नहीं दे रहे, नौजवानों को स्पेस नहीं दे रहे, हमें चाहिए उनको साथ देकर चले। सेकंड लाइन की लीडरशिप जो है ना, उसके बगैर काम बनेगा नहीं। सही सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बातें बहुत सारी हैं और सर अमीर हनी साहब की खिदमात भी और उनकी राइटिंग्स भी बेशुमार हैं, जिन पर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। और आज का जो वक्त था, ख़ासतौर पर सेगमेंट, हमने एक मौजूदा जो दौर में जो दरपेश चैलेंजेस हैं हमारी कम्युनिटी को ख़ासतौर पर, उसके हवाले से उसी सेगमेंट का सिलसिला है। और ख़ासतौर पर यह सिलसिला है अपने उन लोगों को जिन्होंने माशरे में और माजी में हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया है और जो हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। और इस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि ऐसे ही लोगों के साथ गुफ्तगू की जाए, उनके उन सुनहरी दौर से और उनकी खिदमात और उनकी जो विजडम है उससे फ़ायदा उठाया जाए और मुस्तकबिल के लिए जो नई राहें हैं उनका तायुन किया जाए, ताकि जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा माशरा है, वो एक जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो और हम अपने जो इस कम्युनिटी में जो आइडेंटिटी का क्राइसिस है इसको दूर कर सके और उन्हें कौमी धारे में शामिल करके पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सके। वंस अगेन, जिस तरह हमारे अबाउजदाद ने इस मुल्क की कामयाबी में, इस मुल्क की फलाह में अपना किरदार अदा किया है, हम नौजवान नस्ल को भी उससे आगाह करें और उन्हें मुतहरक करें कि वो इसके लिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में और एक नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया।